नमामि रामं रघुवंशनाथम। गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव, जिसका रिजल्ट कि कल यानी 24 अप्रैल को आ गया। आपको जान करके खुशी होगी कि 60 सीट से 60 वार्डों के चुनाव में 58 पर यानी 58 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम फहराया। वहाँ के लोगों ने रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ अपना वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी को 52 और असम गण परिषद को 6 सीट मिला। एक सीट निर्दलीय को और एक सीट आप पार्टी को मिली। कांग्रेस पार्टी, जो मुख्य विपक्षी दल है, अपना खाता नहीं खोल सका। अब कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से तुम सेकुलरिज्म का ढोंग रखते हो हिंदुओं को दबाने के लिए, जिस तरह से तुम राम को काल्पनिक बताते हो, जिस तरह से कांग्रेस शासित राज्यों में गो हत्या करवाते हो, अब हिंदू सहने वाला नहीं है। हिंदू जाग उठा है और हिंदू अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गया है। हिंदू मंदिरों में पैसा जमा होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी खर्च करती है उसे मुसलमानों के मस्जिदों में। दो स्टेट्स हैं जहां मस्जिदों के मौलवियों को वजीफा मिलता है, प्रति माह उनको एक फिक्स्ड आमदनी मिलती है। ये काम उतना बुरा नहीं है अगर हिंदू मंदिरों के पंडितों, पुरोहितों और साधु संतों को भी वजीफा दिया जाता, लेकिन नहीं। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार मौलवियों को वजीफा देती है। ये जान करके आपको बहुत ही दुख होगा, ये वजीफा दिया जाता है रोहिंग्या मुसलमानों, बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने के लिए भी, हिंदुओं को तंग करने के लिए भी, गो हत्या, गो तस्करी करने के लिए भी। अब ये हिंदू इस चीज़ को समझ सक गया है, और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है उसकी अब एक नहीं चलती है। अभी अभी राजस्थान में आपने देखा, अलवर में 300 वर्ष पुराने शिव मंदिर को तोड़ दिया गया। नीलम पत्थर से बने हुए शिव मंदिर जो टूट नहीं रहा था तो उसको काटा गया, और कूड़े ढोने वाली गाड़ी में उसको कहाँ लेकर कांग्रेस गई, ये गहलोत जी ही बता सकते हैं।